तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वन यू आई 6.1 के हिडन फीचर जो कि आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी में मिलेंगे आफ्टर वन यू आई 6.1 अपडेट। क्या ये हिडन फीचर है, कहाँ मिलेंगे, कैसे यूज करेंगे, सारी डिटेल मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसे कि बताया मैं आपको बताने वाला हूँ कमाल के वन यू आई 6.1 के फीचर। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फीचर है वो है ट्रांसलेटर को लेके। आप अपने कोई सी भी वॉइस को जो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर चुके हैं या फिर आपने कोई कॉल रिकॉर्डिंग करी या कुछ भी चीज़ है, आप उसको भी यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज जिसमें आप चाहो, वो भी इंस्टेंटली। और चाहें तो आप इसको कॉल में जब लाइव कॉल कर रहे हो तो भी आप इस फीचर का यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए लाइक मैं आ गया हूँ यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डर पर। वॉइस रिकॉर्डर पे आने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे लिस्ट में और आपकी जो भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग है आप कोई भी एक रिकॉर्डिंग को ओपन कर लो। लाइक मेरी ये वाली रिकॉर्डिंग है, आपको सुन रहा होगा ये रिकॉर्डिंग है। अब मुझे उसको कन्वर्ट करना है लैंग्वेज में, तो मैं यहाँ पर गया थ्री डॉट्स पे एंड देन यहाँ पर क्लिक किया मैंने कन्वर्ट स्पीच टू टेक्स्ट। यहाँ पर आप यहाँ पर लैंग्वेज चूज कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में करना है। बाय डिफॉल्ट इतनी सारी लैंग्वेज दी गई है, आपको इसमें से कोई भी चूज आउट कर लेना है। और उसके बाद जैसे जैसे वो चालू होगा और वो कन्वर्ट होना चालू हो जाएगी। जैसे मैंने आप देख रहे हैं इस तरीके से वो काम करता है और ऐसा वो वहां पर लिख के आपको दिखाता रहेगा। जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे वो टाइप करते जाएगा ऑटोमेटिक। तो कमाल का ये वाला फीचर है जो कि आपको आपके सैमसंग के लिए ऐसे मिल जाएगा आफ्टर वन यू आई 6.1 के अंदर। उसके बाद बात करें सेकेंड फीचर की जो कि बहुत कमाल का, वो है कैलेंडर के अंदर। तो आप सॉरी हाँ क्लॉक के अंदर, जब भी आप अगर आप कोई अपने मोबाइल में अलार्म लगाते हैं तो अब क्या कर सकते हैं, अलार्म लगाते वक्त जैसे कि मान लो आपने कोई अलार्म को सेट करना है तो आप यहाँ पर जो उसका बैकग्राउंड है आप बैकग्राउंड को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने बैकग्राउंड में कोई वीडियो को लगाना हो तो वीडियो भी लगा सकते हैं, या कोई अपनी फोटो को लगाना हो अपने कहीं से भी फोटो, जैसे कि आपकी कोई नई फोटो हो या कोई वीडियो हो, जो भी चीज आपको लगाना हो आपको सिंपली उठा के यहाँ से पेस्ट कर देना है और वो वहां पर आपके लग जाएगी और वही आपके अलार्म में आपको शो होगी। तो ये फीचर भी यहाँ पर कमाल का दिया गया है। उसके बाद बात करें थर्ड फीचर की, वो थोड़ा सा एक मतलब छोटा सा ही फीचर है पर मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि मैं यहाँ पर आया हूँ कॉल डायलर में, अब यहाँ कॉल डायलर में आप देखेंगे एक कमाल का फीचर दे दिया गया, वो ये है कि अगर किसी का कॉल आया है, मतलब कोई आप कितनी सारी लिस्ट है, अगर आप किसी भी एक नंबर पे क्लिक करेंगे तो एक अलग से वो हाईलाइट होकर दिखाएगा। आप देख रहे होंगे मैंने थोड़ा ब्लर कर दिया है क्योंकि कॉन्टेक्ट नंबर दिखते हैं, तो ये अलग से ब्लर होके आपको दिख रहा हो कैसे ये हाईलाइट होके दिख रहा है। तो ये भी एक मुझे इनाम छोटा सा फीचर चेंज आउट लगा। उसके बाद बात करें नेक्स्ट फीचर की जो कि है लॉक स्क्रीन के अंदर। अब आप लॉक स्क्रीन के अंदर कमाल के वहां पर विजार्ड्स को एड ऑन कर पाएंगे। तो उसके लिए जैसे कि मैं मान लो मोबाइल को अपने लॉक करूं, लॉक करने के बाद मैं आया लॉक स्क्रीन के अंदर, तो लॉक स्क्रीन के अंदर मैं आ चुका हूं। लॉक स्क्रीन में आने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर विजार्ड्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। जो सा भी आपको विजार्ड लगाना है आप वहां पर लगा सकते हैं और पूरे ये आपके उसके अंदर दिखते रहेंगे, मतलब ये आपको वहां पर शो आउट करते रहेंगे। तो ये फीचर भी बहुत कमाल का है। यहाँ पर आप ये जो क्लॉक लगी है क्लॉक के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट्स एड ऑन करना है तो फॉन्ट को भी डाउनलोड करके एक अलग से एड ऑन कर सकते हैं। तो मतलब आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के लिए बहुत शानदार फीचर एड ऑन कर दिए गए। ये भी बहुत शानदार दिए गए, इसमें इफेक्ट्स डाल सकते हैं, आप कौन सा इफेक्ट चाहिए फोटो में जो भी आपने लगा के रखी है वो भी आप यहाँ पर सेट आउट कर पाएंगे। तो इस तरह के कमाल के नए फीचर इसमें एड ऑन किए गए जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये कुछ ही फीचर है, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स एड ऑन किए गए जिसके बारे में आगे धीरे धीरे मैं बताऊंगा। फिलहाल आपको इतना ही बताया, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक और मेरे व्हाट्सएप के नए चैनल पर फॉलो कर लें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।